अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अबू बकर। आज मैं आया हूं बीजापुर के ख़ूबसूरत मकाम पर, हज़रत अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह के दरगाह पर। बहुत खूबसूरत जगह है, कहते हैं कि यहां पर आने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। हज़रत अब्दुल रज़ाक कादरी का ताल्लुक पीरान पीर गौसे आज़म सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और बीजापुर कर्नाटक इंडिया में मशहूर सूफ़ी के रूहानी माज़द ख़ानदान से हैं। सैयदना अब्दुल रज़ाक कादरी का आस्थाना दरगाह अय्यूब गुम्बद के नाम से मशहूर है, जो बुनियादी तौर पर एक दूसरे से मलहूक मकबरों का एक जोड़ा है। एक मुद्दत के साथ वो एक दरगाह के तौर पर शुमार होते आए हैं। हज़रत अब्दुल रज़ाक कादरी इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में बगदाद से तशरीफ़ लाए, जो सल्तनत बीजापुर के बादशाह और आदिल शाही ख़ानदान के रुकन थे। इसके दौरे हुकूमत में इस ख़ानदान का सबसे बड़ा दौर था, क्योंकि उसने अपनी सरहद को जुनूब में मैसूर तक फैलाया था। बीजापुर के इलाके में सूफियों की आमद कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में शुरू हुई थी। शेख हाजी रूमी सबसे पहले अपने साथियों के साथ बीजापुर पहुँचे, अगरचे इनके दूसरे साथी जैसे शेख सलाहुद्दीन, शेख सैफुल मलिक और सैयद हाजी मक्की बिलतरतीब पुणे, हैदरा और टिकोटा में आबाद थे।